Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू testbook.com. गाइस, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन जून 2020. सो जून 2020 के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से टॉप 100 इवेंट्स जिनको हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर और इवन नेक्स्ट 2 आवर के अंदर आपका डिस्कस करने वाले हैं. तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, आई होप आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियरली मिल रहा होगा. तो एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दें, देन हम लोग आपका सेशन को स्टार्ट करेंगे. तो कुछ स्टूडेंट जिनके कमेंट्स में मैं पढ़ पा रहा हूँ, से अमित, इसके अलावा विकास एंड अभय, पल्लवी, नीतीश, आरती, पल्लव एंड ऑल. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज. कैसे हैं आप सभी लोग और रेडी हैं आपका इस महायुद्ध के लिए? तो नेक्स्ट 2 आवर के अंदर टॉप 100 करंट अफेयर्स जो कि जून मंथ के अंदर जिनको हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा, सो उनसे रिलेट कहते हुए एक रैपिड फायर, बेसिकली एक स्पीड क्विज के टाइप के. और जो भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, सो आप मुझे कॉमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं एंड इवन हम लोग उन सभी को आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो क्लियर है बता दीजिए, देन स्टार्ट करते हैं सेशन को. इसके अलावा गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार सेशन को शेयर जरूर करें, ठीक है. संडे है, थोड़ा सा बच्चे लेट उठते हैं, तो सभी के साथ शेयर जरूर करें गाइस, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपका पार्टिसिपेट कर सके. तो आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, ठीक है, ऑल क्लियर है, ठीक है. सो स्टार्ट किया जाए गाइस, एवरीथिंग इज ओके ना? ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो आप एक बार बता दें, देन सेशन को आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है. हेमलता, रूबी और सौम्या, इसके अलावा काली गुप्ता एंड अदर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. ओके, काली गुप्ता आपका बोलेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज सभी आपका बोलेंगे ऑल ओके, ठीक है. सो काली गुप्ता एक बार आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. तो गाइज, आप सभी को सारे क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है, और नोट डाउन भी करते जाइए आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है. और इसके अलावा एंड में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं. सो एंड ऑफ दिस सेशन सभी अपने स्कोर जरूर शेयर करें कि 100 में से आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किया और कितने सही रहे और कितने गलत थे, ठीक है, और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा सही हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इन जून 2020, who among the following has been elected as the president of 75th United Nations General Assembly? So 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है. सो बेसिक हिंट क्या है आपका, टर्की के रहने वाले हैं ये, ठीक है. तो कुछ स्टूडेंट्स आपका शुभम ने आंसर दिया, थोड़ा जल्दीबाजी में आंसर दे दिया लग रहा है, ठीक है. तो शुभम का कहना है आपका तेजिन, तो तेजिन को रिप्लेस किया गया है यहाँ पे शुभम, ठीक है. तो राइट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड वन. हाँ, वेरी गुड. तो वोल्कन वोस्किर जिनको अभी रिसेंटली आपका नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, और सितंबर 2020 जब ये प्रोफाइल पर्टिकुलर उसको संभालेंगे, और इनके द्वारा रिप्लेस किया गया किसको आपका, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट मोहम्मद बैंदी. सो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इट मीन्स वोल्कन वोस्किर जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और सितंबर 2020 जब से इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को आपका संभालेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इन जुलाई 2020, इन जून 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज जॉइन द क्लाइमेट प्लेज, एन इंटरेक्टिव को फाउंडेड बाय ई कॉमर्स फर्म अमेजन एंड एनवायरमेंट फर्म ग्लोबल ऑप्टिमिज्म. सो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है. सो पेरिस एग्रीमेंट जिसका टारगेट था कि ईयर 2050 तक जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है उसके ऊपर काम करना, देन कुछ कंपनीज के द्वारा इनिशिएट लिया गया, लाइक आपका अमेज़न और आपका इसके अलावा ग्लोबल ऑप्टिमिज्म, जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर टारगेट को 10 साल पहले आपका अचीव करने का बात किया गया. इट मींस बाय 2040 आपका नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर काम करने का बात किया गया. तो अभी रिसेंटली एक कंपनी जिसके द्वारा इस लीग को ज्वाइन किया गया, इंडियन आईटी कंपनी, तो राइट आंसर विल बी अगेन ऑप्शन 3, इट मींस इंफोसिस. तो इंडिया की एक आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी इंफोसिस बेंगलुरु, जहां पे इसका हेडक्वार्टर, अभी रिसेंटली आपका द क्लाइमेट प्लेज
जो बेसिकली जो इनिशिएटिव आपका नेट जीरो कार्बन के रिगार्डिंग उसको अचीव किया गया, 2040 तक आपका नेट जीरो कार्बन एमिशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के रिगार्डिंग। एंड अमेज़न जिसके द्वारा $2 बिलियन का एक फंड भी अभी रिसेंटली इसके लिए आपका लॉन्च किया गया। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड गाइज। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सो एक बुक आपका जो कि जून 2020 के अंदर आपका रिलीज हुआ था, ठीक है। सो किताब का नाम है आपका नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सो इस बुक के लेखक कौन है गाइस, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड बुक्स एंड ऑथर जो बहुत बार आपको एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया था, ठीक है। सो जल्दी से आपका आंसर मार्क करें। ऑप्शन थर्ड, हाँ पुनीत, सौम्य, विकी, जितने भी स्टूडेंट और जो भी लेट जुड़े हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो अगेन आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो दिनयार पटेल, आपका दिनयार पटेल जिनके द्वारा अभी रिसेंटली दादा भाई नरोजी के ऊपर आपका एक बुक लिखा गया और बुक को नाम दिया गया आपका नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से जिसको जाना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, What is the rank of India in the World Competitiveness Index 2020 released by Institute of Management Development? तो IMD के द्वारा अभी recently एक सूचकांक जारी किया गया जिसको नाम दिया गया विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के नाम से। तो IMD या प्रबंधन विकास संस्थान के इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। और साथ ही साथ गाइज जो भी आपका आंसर कर रहे हैं ना, वो ये जरूर बताएं कि टॉप किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से ईयर 2020 के लिए भारत का रैंक क्या रहा है और टॉप किस कंट्री के द्वारा, सबसे कॉम्पिटेटिव कंट्री कौन सी है। सो इंडिया का रैंक आपका 43rd नंबर पे, वेरी ट्रू गाइस, हाँ 43rd नंबर पे आपका इंडिया आता है इसमें। तो ऑप्शन फोर जो राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा IMD एंड सिंगापुर जिसके द्वारा इसको आपका टॉप किया गया, ठीक है। वेरी गुड गाइस, हाँ। सो इवन जो अदर फैक्टर्स हैं जिनको भी आपको ध्यान रखना, टॉप बाय सिंगापुर एंड इंडिया 43rd नंबर पे। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च अ बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एक नया कैंपेन अभी रिसेंटली जिसमें कहीं ना कहीं आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के रिगार्डिंग, और दूसरा दो स्टेजेस दो कैंपेन आपके किए जाएंगे। फर्स्ट इज अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड सेकंड इज अबाउट अ मीडिया कैंपेन फॉर द मास्क वेयरिंग कैंपेन एंड अदर्स। सो मास्क पहनने के लिए लोगों को आपका आग्रह किया जाएगा या उसके बारे में अवेयर किया जाएगा, ठीक है। सो किसके द्वारा ये कैंपेन आपका किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। दो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है बेसिकली गाइस, जिसमें पहला है आपका नीति आयोग, और नीति आयोग ने इसको कंडक्ट किया किसकी मदद से, आपका बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, ठीक है। सो बेसिक दो स्टेजेस के अंदर, पहला जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड दूसरा आपका जिसमें एक मीडिया कैंपेन किया जाएगा और लोगों को मास्क पहनने के लिए आग्रह किया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, In June 2020, which of the following countries have been selected as host of FIFA Women's World Cup 2023? So, FIFA Mahila Vishw Cup 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो इस बार आपका जॉइंट बेट किया गया था, अभी रिसेंटली ये आपका अलॉटमेंट किया गया, ठीक है। सो फीफा महिला विश्व कप 2023 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जिनके द्वारा आपका जॉइंटली बेट किया गया था और ओवरऑल जो बोर्ड है इनके फेवर में आपका आया था, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फिफ्थ, इट मीन्स 1 and 2, इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो 2023 का आपका जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो आपको होस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन यूआ पे। सो अभी एक बैंक आपका जिसने अभी एक नया डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन, इट मींस आपका BBPS, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम और सर्विसेज, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज एंड UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज, ये सारी फैसिलिटीज आपका आने वाले समय में इस बैंक के द्वारा, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू या वॉलेट बेस्ड बैंकिंग, तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सो योर राइट आंसर विल बी यस बैंक, हाँ वेरी गुड। सो यस बैंक विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वेरी ट्रू गाइस, हाँ। तो यूएस बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली ये बेसिकली आपका एक एप्लीकेशन, एक वॉलेट बेस्ड एप्लीकेशन जो कि BBPS और UPI से रिलेट करते हुए जितने भी सर्विसेज हैं उन सभी को आपका सपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020
who has been appointed as the first female head of NASA space flight program. So guys, again काफी important है. So NASA के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की महिला प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया, ठीक है. तो अभी नासा जो की प्लान कर रहा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इवन इनके द्वारा आपका 2024 के लिए प्लान भी किया गया है. सो अभी रिसेंटली इसका या फर्स्ट टाइम आपका इसका महिला विमेन हेड के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड अगेन. तो कैथी लॉटस विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. तो कैथी लॉटस जो कि आपका अभी जिनको रिसेंटली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का हेड अपॉइंट किया गया, किसके द्वारा, जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन, जिम ब्राइडस्टाइन, ठीक है. तो जैसे प्रेसिडेंट होता है या चीफ आपका होता है या फिर चेयरमैन हम लोग बोलते हैं, नासा के केस में क्या बुलाया था आपका, एडमिनिस्ट्रेटर. और राइट पर्सन कौन है, जिम ब्राइडस्टाइन, और इनके द्वारा अभी रिसेंटली कैथी लॉटस को इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अपॉइंट किया गया. अगला क्वेश्चन, In June 2020, who has been appointed as next ambassador of India to Belgium? So, Belgium के अंदर आपका भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? Guys, ऐसे पॉइंट मैंने आपको बहुत सारे बताए, नहीं? So, even June month के अंदर आपका number of आपका representative, number of ambassador, number of high commissioner and others, इनको हम लोगों ने study किया था, even हम लोग revise भी करेंगे आज के date में, नहीं? So, बेल्जियम के अंदर आपका भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया. सो संतोष झा कहना है सभी का आपका, ठीक है. ओके, सभी लोग एग्री हैं आपका संतोष झा के साथ, ठीक है. ओके, हाँ ठीक है. तो गाइस वेरी ट्रू, संतोष झा आपका राइट आंसर होगा. अच्छा, इसके अलावा जो अदर कंट्रीज के बहुत सारे अनाउंसमेंट आपके हुए थे, तो एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताएं. इससे पहले कुछ कोर्सेज आपका एक बार जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा. सो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स क्योंकि 2020-21 के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा. सो आई होप आप सभी इसमें होंगे. सो इवन इसका डेमो क्लासेस स्टार्ट है, तो आप सभी इसका डेमो भी देख सकते हैं. के अलावा जो भी स्टूडेंट्स आपका टेक्स्ट बुक पास के अंदर अभी तक एनरोल नहीं है, वो अपने आपको एनरोल कर सकते हैं. इसमें आपको 100 प्लस लाइव क्लासेस प्लस आपका 5500 प्लस टेस्ट सीरीज आपका देखने के लिए मिलेंगे. हाँ, सीवी जॉर्ज जो आपका कुवैत के लिए है, पीके नायर फिनलैंड के लिए, ऐसा बोलना है रामू का, ठीक है. सीवी जॉर्ज, हाँ सीवी जॉर्ज सबको बताया, चलो ठीक है, वेरी गुड. हाँ, इसके अलावा अच्छा सीवी जॉर्ज के बारे में सबने लिखा, ठीक है. गायत्री, हाँ आरोही ने आपका अपडेट दिया थी यूनाइटेड किंगडम के लिए. गिरीस ने पूरा अपडेट दिया है यहाँ पर, ठीक है. फिनलैंड के लिए आपका रवीश कुमार होगा, जो कि करेक्टली मेंशन किया गया किसके द्वारा, आपका गिरीस के द्वारा. इवन हाँ रवीश कुमार जो करेक्ट भी किया गया बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ, वेरी गुड गाइस. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In June 2020, which of the following platform has been awarded as a technology pioneer by the World Economic Forum? So, technology pioneer by basically आपका एक initiative है World Economic Forum या फिर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है. और बेसिकली इसमें जितने भी वर्ल्ड की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे स्टार्टअप हैं, उन सभी को इंक्लूड किया था, जिससे कि आने वाले समय में उनकी रीच को आपका इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सके. तो अभी एक इंडियन फिनटेक कंपनी आपका जिसको इस लिस्ट के अंदर एड किया गया, तो कंपनी का नाम आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर विल बी जस्ट मनी. तो जस्ट मनी जो की करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है. और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रीसेंट मीटिंग आपका हुआ था 50th मीटिंग, जो कि कहां पे हुआ था आपका, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है कहां पे, कोलेंजी स्विट्जरलैंड के अंदर. अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज बीन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योगा विद्यालय विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा. तो अभी 21 जून हम लोगों ने आपका 6th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था 21 जून 2020 को. तो इस बार ये दिवस आपका कहां से, इस पर्टिकुलर डे को आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, कहां से, लेह लद्दाख से. तो अभी ये जो आपका इवेंट हुआ है, ठीक है, या 6th इंटरनेशनल डे पे, इसी इसमें एक युवा के नाम से या फिर जिसको स्वामी विवेकानंद युवा योगा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा, तो कहां पे लगाया जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, लॉस एंजेलिस यूएस के अंदर. सो इंडिया से बाहर कोई, मतलब ये इंडिया के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी होगी जो आने वाले समय में योगा के ऊपर डिग्री अदर्स जो क्लासेस है वो सभी आपका प्रोवाइड करेगा. तो युवा या सॉरी वायु या फिर आप विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी एंड जो वायु आपका जो प्लेस आपका है वो कौन सा, लॉस एंजेलिस यूएस के अंदर.
अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव इंडिया। तो एक बुक आपका जो जून के अंदर, जून 2020 के अंदर रिलीज किया गया, इवन ये जो ऑथर है माइथोलॉजी के ऊपर बहुत सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी, तो इवन इन सभी के बारे में इवन हम लोगों ने स्टडी भी किया था। ठीक है, तो एक नया बुक आपका, बुक को टाइटल दिया गया लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव इंडिया, सो ऑथर्ड बाय, सो राइट आंसर विल बी अमीश त्रिपाठी। तो अमीश त्रिपाठी जिन्होंने इससे पहले आपका लॉर्ड शिवा के ऊपर, लॉर्ड राम, आपका सीता, रावण, या इवन अपन नागास या दस, जिनके ऊपर नंबर ऑफ बुक आपका, आई होप आप लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी बुक्स आपका या दस जो भी स्टडी की। तो अमीश त्रिपाठी जो अपने नए बुक के साथ आए, और बुक को टाइटल दिया गया आपका लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के नाम से, जिसको आपका रिलीज किया गया। अगला क्वेश्चन, In June 2020, how much amount in crores has been allotted by PM Care funds for supplying made in India ventilators to government run hospitals या COVID hospitals? So अभी COVID hospitals या जितने भी, guys हिंदी ट्रांसलेशन को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। So अभी recently आपका जितने भी COVID hospitals आपके हैं, सरकारी हॉस्पिटल, तो वहां पे 50,000 ventilators आपका पहुंचाने के लिए अभी रिसेंटली पीएम केयर से आपका एक अलॉटमेंट किया गया। तो ओवरऑल कितने अमाउंट का ये अलॉटमेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2000 करोड़। ठीक है, सो 2000 करोड़ विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओवरऑल 50,000 आपका वेंटिलेटर सप्लाई किए जाएंगे, जिसमें से 30,000 वेंटिलेटर्स आपका मैन्युफैक्चर किए जाएंगे किसके द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये तीसरा अलॉटमेंट है, जिसमें फर्स्ट अलॉटमेंट आपका था 3100 करोड़ किसके लिए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स एसेंशियल कमोडिटीज हैं। सेकंड वन अलॉटमेंट आपका 2000 करोड़ रुपीस फॉर 50,000 वेंटिलेटर्स एंड 1000 करोड़ रुपीस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो पीएम केयर से अभी ये तीसरा अलॉटमेंट जो रिसेंटली देखने के लिए मिला है, और सार्क एंड एसोसिएट जो कि आने वाले नेक्स्ट थ्री ईयर के लिए आपका जो पीएम केयर के जितने भी जो ट्रांजेक्शन है उन सभी को ऑडिट करेगा, क्योंकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो एक्टिव नहीं होगा किसके ऊपर, आपका पीएम केयर के ऊपर। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन आपका, इन जून 2020 हाउ लॉन्ग हैज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सस्पेंडेड द इश्यूएंस ऑफ H-1B एंड H-4 वीजास। सो H-1B वीजा जो बेसिकली आपका जितने भी जो IT वर्कर्स हैं, जितने भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर्स हैं, उन सभी को आपका दिया जाता है US गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें H-1B वीजा की जो प्राप्त करता है, उसमें से 70% कौन है, आपका भारतीय है। ठीक है, सो आने वाले समय में जो IT जॉब, जो जॉब सीकर्स हैं, या इवन कहने के जो US के अंदर आपका जॉब करने के लिए आता है, उनको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी दिसंबर 31, 2020 तक US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन सभी वीजाज को आपका सस्पेंड किया गया है, और जितने भी जो नए एप्लीकेशन है उन सभी को आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका जो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है आपका कि US के जो लोकलाइट है, जो US सिटीजन है, उनको आपका जॉब प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, पहले आपका प्रेफरेंस उनको दिया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो IT वर्कर्स है आपका, उन सभी के लिए खराब न्यूज। और कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपका US का काफी ज्यादा बड़ा है पिछले 3-4 महीने के अंदर, उन सभी को आपका ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन, In June 2020, which of the following companies has launched a new coronavirus medicine, Fabiflu? So, Fabiflu के नाम से आपका coronavirus या COVID-19 के लिए एक immunity booster आपका एक medicine, ठीक है, जिसको नाम दिया गया Fabiflu। So, किस company के द्वारा इस particular medicine को आपका launch किया गया? Guys, जितने भी students मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार जल्दी से आपका सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स आपका वॉच करें वो लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो एंड ऑफ द सेशन आप सभी अपना स्कोर भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्लेनमार्क फार्मा जिसके द्वारा अभी रिसेंटली जून 2020 के अंदर आपका एक मेडिसिन जिसको नाम दिया गया आपका फेबिफ्लू, बेसिकली डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर आप इसको मेडिकल स्टोर एंड हॉस्पिटल से आपका परचेज कर सकते हैं, और बेसिकली कोविड 19 के पेशेंट के इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपका इसको यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 एज पर द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस, BSE इज एट व्हाट प्लेस अमंग द वर्ल्ड टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। सो अभी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस जिसके द्वारा एक रिपोर्ट आपका रिलीज किया गया, दुनिया भर के 10 सबसे बड़े शेयर बाजारों की लिस्ट आपका जारी की गई, और इस लिस्ट को आपका टॉप किया गया किसके द्वारा, NYSE के द्वारा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा गाइस, NYSE कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है?
टॉप किया गया आपका एनवाईएसई के द्वारा, सेकंड नंबर पे है आपका नेस्डेक, थर्ड नंबर पे है आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान, फोर्थ नंबर पे आपका है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चाइना, और फिर इंडियन स्टॉक मार्केट या बीएससी कौन से नंबर पे आता है, तो राइट आंसर विल बी 10 नंबर। सो ओवरऑल जो मार्केट वैल्यूएशन आपका है इंडिया का वो कितना है, 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और इसके हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे आता है, सो राइट आंसर क्या होगा आपका 10 नंबर पे। एनवाईएसई जिसके द्वारा टॉप किया गया, और एनवाईएसई कहां का है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यूएस का, और नेस्डेक जो दूसरे नंबर पे है अगेन वो भी कहां से है आपका यूएस से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच स्टेट विल लॉन्च आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम फ्रॉम जुलाई 1, 2020। तो अभी एक राज्य के द्वारा आदर्श पुलिस स्टेशन आपका एक नई योजना जारी करने का बात किया गया, तो किस स्कीम के द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम आपका लॉन्च करने का बात किया गया, तो जल्दी से एक बार कॉमेंट करके आपका बताएं, ठीक है। हाँ विग्नेश जितने भी स्टूडेंट हैं, तो गाइज हाँ आप शेयर जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आपको मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा अभी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है, क्योंकि 172 है तो बहुत मेहनत लगा है, पूरा सैटरडे लगा है, ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, और इवन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आपका बेनिफिट होना चाहिए, अगर आपको पसंद आ रहा तो आपके साथ वालों को भी पसंद आएगा, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आपका, छत्तीसगढ़ जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को आपका लॉन्च किया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जिसके द्वारा आपका आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम जो कि आपका जुलाई 2020 से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनाउंस अ 2 बिलियन क्लाइमेट प्लेस फंड टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली गाइस ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी जब हम लोगों ने इंफोसिस के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था, आई होप आप सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिकॉल कर पाएंगे। बेसिकली आपका जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है अपनी कंपनीज के अंदर, तो अभी रिसेंटली कंपनी ने आपका 2 बिलियन यूएस डॉलर का एक फंड बनाया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया क्लाइमेट प्लेस फंड, और इवन इस पर्टिकुलर कंपनी के जो फाउंडर है ना जेफ बेजोस, उनके द्वारा एक बेजोस अर्थ फंड भी आपका बनाया था, कितने के साथ, 10 बिलियन डॉलर के साथ, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज फंड आपका था, ठीक है। सो किस कंपनी के द्वारा, अब जेफ बेजोस किसके सीईओ है एट प्रेजेंट, तो राइट आंसर क्या होगा अमेज़न, तो अमेज़न के जो फाउंडर एंड सीईओ है आपका जेफ बेजोस, उनके द्वारा अभी रिसेंटली क्लाइमेट प्लेस फंड आपका, और बेसिकली आपका 2 बिलियन डॉलर का ये फंड, और जो भी ऐसे नए स्टार्टअप्स हैं आपका जो इकोसिस्टम या इको टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उन सभी को फंडिंग के लिए इस पैसे को आपका यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड टू जॉइन यूनाइटेड नेशन आर्म ट्रेड ट्रीटी टू एनहांस पीस एंड स्टेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, टीम। सो शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि, तो अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा साइन किया गया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कौन से ईयर के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है, तो ये संधि आपका पास किया गया था कब, 2013 के अंदर, और लागू हुआ था कब से आपका, 2014 के अंदर, ठीक है। खासकर एसएससी सीएचएसएल वाले स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे, तो जो संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि है ये 2013 के अंदर साइन किया गया था या पारित किया गया था, और लागू हुआ था कब से आपका, 2014 से, और अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा इस एग्रीमेंट को या इस संधि को साइन किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चाइना के द्वारा, ठीक है। तो चाइना जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को अभी रिसेंटली साइन किया गया। अगला क्वेश्चन, चलो हाँ अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड अ वेबिनार ऑन वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। सो हम लोग ने अप्रैल का पढ़ा, मई का पढ़ा, तो वहां पे दोनों इवेंट्स में मैंने आपको देखो अपना देश के बारे में या इस पर्टिकुलर वेबिनार के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है, जिसमें पहले जो भी इंडिया के जो मेजर सिटीज हैं उन सभी के बारे में आपका वेबिनार कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो कुछ वीडियोस आपका रिलीज किए गए कि पर्टिकुलर सिटी किस तरीके से आपका ओरिजिन है और आने वाले समय में उस पर्टिकुलर सिटी के क्या क्या प्लान है। जैसे पहला सिटी आपका दिल्ली, जिसमें आपको दिल्ली के बारे में बताया गया था, देन कोलकाता एंड अदर्स। तो अभी रिसेंटली आपका जो भी वैदिक फूड एंड स्पाइसेस है उनके ऊपर एक वेबिनार किसके द्वारा, तो योर राइट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो पर्यटन मंत्रालय जिसके द्वारा ये बेसिकली आपका ये कैंपेन किया गया, ठीक है, और वैदिक फूड एंड आपका बेसिकली जो स्पाइसेस हैं आपका उन सभी के ऊपर एक ओवरऑल वेबिनार यहाँ पे जो देखने के लिए मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च गरीब रोजगार कल्याण गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन जून टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया। द कैंपेन इज हाउ मेनी डेज अक्रॉस 116 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 स्टेट।
तो अभी रिसेंटली आपका जून 2020 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नया स्कीम आपका लॉन्च किया, जिसको नाम दिया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि 6 राज्यों के 116 जिलों के अंदर इस पर्टिकुलर स्कीम को, और इस पर्टिकुलर उसके अंदर आपका 125 डेज का आपका क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। सो 125 दिन का आपका रोजगार, और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो जिसमें आपका बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, इवन बिहार आपका जहां से इस पर्टिकुलर स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो 125 डेज और ये 6 स्टेट आपका, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी आदर्श, जिनके ऊपर ये स्कीम आपका काम करेगा। वेरी गुड गाइस, हाँ वेरी गुड, हाँ काफी अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज रिलीज इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। सो गाइस, ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सो जलवायु संकट के ऊपर भारत की पहली रिपोर्ट आपका रिलीज किया गया, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि अराउंड 0.7 डिग्री सेल्सियस से आपका 1901 से लेकर 2019 के बीच में जो एवरेज टेम्परेचर आपका बढ़ा है, और अगर मतलब आने वाले समय में हम लोगों ने नए नए कैंपेन किए तो 2.7 डिग्री सेल्सियस आपका होगा बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंचुरी, इट मींस 2099। सो बहुत सारी चीजें जिनको हम लोगों ने आपका वहां पे डिस्कस किया था। अभी किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। गाइज, ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जरूर ध्यान में रखें, और पहली बार ऐसा रिपोर्ट रिलीज किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक ट्रेड। सो गाइज, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जून मंथ से अगर हम लोग बात करें तो प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार आपका जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा, ठीक है, बेसिकली फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा बुक फेयर आपका होता है, इंटरनेशनल बुक फेयर, जो कि इवन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुक फेयर है, ठीक है, अक्टूबर मंथ के अंदर ये होगा, और तभी इनको आपका सम्मानित भी किया जाएगा। तो किस पर्सनैलिटी या किसको आपका रिसेंटली इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए आपका नॉमिनेट किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृत्य सेन, ठीक है। सो अमृत्य सेन, जिनको आपका 1998 के अंदर नोबेल प्राइज आपका मिला था किस फील्ड के अंदर, तो आपका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, एंड इकोनॉमिक्स के अंदर आपका इनके द्वारा एक इंडेक्स बनाया गया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, SDI के नाम से, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका, जो कि महबूबुल हक के साथ मिलकर इनके द्वारा तैयार किया गया था। सो अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के आपका नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया, ठीक है। सो गाइस, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया, जल्दी से, और किर्गिस्तान का जो करेंसी कैपिटल है वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपका किर्गिस्तान के करेंसी कैपिटल के बारे में जरूर लिखे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो कुबटेव बोर्नोव, जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो कुबटेव बोर्नोव, जो कि नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया आपका कहां के लिए, किर्गिस्तान के लिए, ठीक है। वेरी गुड गाइस, अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज has announced to establish an anti-racism commission. So basically, किस देश के प्रधानमंत्री ने नस्लवाद विरोधी एक आयोग की स्थापना करने की बात की है? Guys, आप लोगों ने जैसा भी रिसेंटली देखा होगा ना, US के अंदर जो जॉर्ज फ्लॉइड से आपका इवन आपका जो एक पुलिस ऑफिसर वाला जो केस आपका हुआ था, उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने देखने के लिए मिले थे, ठीक है, जिसमें US के अंदर खासकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे आपका एंटी रेसिज्म कमीशन। तो उसी के रो में आपका यूके के गवर्नमेंट के द्वारा करें, तो यूके के जो आपका प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ठीक है, सो बोरिस जॉनसन के द्वारा भी रिसेंटली यूके के अंदर एक एंटी रेसिज्म कमीशन बनाने का बात किया गया, और जो बेसिकली आपका ऐसे जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आपके हैं उन सभी से लड़ने में आने वाले समय में, या फिर जितने भी ऐसे जो केसेस हैं उन सभी को आपका हैंडल करेगा। तो यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द ऑक्शन प्रोसेस फॉर 41 कोल माइंस फॉर कमर्शियल माइनिंग। सो बेसिकली आपका अभी तक जो कोल माइंस है उन सभी के ऊपर गवर्नमेंट मोनोपोली था, ठीक है, सरकार का एकाधिकार था। एकाधिकार क्यों, क्योंकि अभी तक कोई भी प्राइवेट पार्टी आपका बेसिकली कोल माइंस या अदर्स इनके टेंडर उनको नहीं दिए जाते थे, लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत के अंदर ऐसा बात बोला गया कि हम लोग जो कोल माइंस है उनको भी प्राइवेटाइज करेंगे,
या उनको भी आपका ऑक्शनिंग किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, सो राइट आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनके द्वारा 41 कोल ब्लॉक आपका जिनको आने वाले समय में ऑक्शन करने का बात किया गया, ठीक है। तो जिससे कहीं ना कहीं आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो अर्निंग्स है उनको आपका इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक अ बर्निंग। तो अ बर्निंग एक नया आपका एक नोवेल, ठीक है, जिसको नाम दिया गया, सो अ बर्निंग के नाम से अपना पहला डेब्यू नोवेल, ठीक है। सो इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का ये पहला नोवेल है तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी इंक्लूड किया, ठीक है। तो जून 2020 के अंदर आपका एक नए नोवेल या उनका उनकी लाइफ का पहला नोवेल जिसको नाम दिया गया बर्निंग, तो किसके द्वारा इसको लिखा गया, सो आपका राइट आंसर क्या होगा, मेघा मजुमदार, ठीक है। तो मेघा मजुमदार विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मेघा मजुमदार जिनके द्वारा अपना डेब्यू नोवेल, ठीक है, अभी रिसेंटली इनके द्वारा अपने एक बुक लिखा गया जिसको टाइटल किया गया और बर्निंग के नाम से। अगला क्वेश्चन इंडेक्स एंड रिपोर्ट से रिलेट करता हुआ, और इंडेक्स कौन सा है आपका, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है 2020। तो इन जून 2020 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 12th एडिशन ऑफ बाय एनुअल मींस एवरी 2 इयर्स के अंदर ये रिपोर्ट आपका रिलीज किया जाता है। सो द बाय एनुअल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, सो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के हिसाब से भारत का रैंक क्या रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो येल यूनिवर्सिटी ये पर्टिकुलर इंडेक्स आपका, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आपका येल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें टॉप किया गया किसके द्वारा, टॉप किया गया डेनमार्क के द्वारा, और इंडिया कौन से नंबर पे है, तो हाँ वेरी गुड गाइज, 168 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है, येल यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को 2 साल में एक बार, टॉप किया गया किसके द्वारा आपका, डेनमार्क के द्वारा, एंड इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा, 168 नंबर पे, ठीक है। सो ये कुछ बातें जिनको आपको ध्यान रखना है। 2017 के अंदर 177 था ऐसा जॉन ने हमें मेंशन किया है, वेरी ट्रू। हाँ अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म हैज गॉट मैंडेट टू ऑडिट पीएम केयर फंड्स फॉर 3 इयर्स। तो गाइस एज वी डिस्कस अर्लियर कि जो पीएम केयर है उसके ऊपर आपका आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा एक अनाउंसमेंट किया गया कुछ समय, तो उसके बाद आपका इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद रिसेंटली एक आपका एक सीए फर्म, ठीक है, जिसको जो आने वाले 3 साल के लिए पीएम केयर के अंदर जितने भी डोनेशन होंगे या जितने भी जो अलॉटमेंट होंगे उन सभी को आपका ऑडिट किया जाएगा किसके द्वारा, तो कंपनी का नाम क्या है आपका, सार्क एंड एसोसिएट। तो सार्क एंड एसोसिएट जो कि दिल्ली बेस्ड, दिल्ली आपका दिल्ली बेस्ड एक सीए फर्म आपका, ठीक है, और इवन काफी पुराना सीए फर्म है जिसको अभी रिसेंटली ये आपका राइट देगा, और अगले 3 साल तक आपका पीएम केयर के जितने भी जो आपका डोनेशन या जो भी अलॉटमेंट्स होंगे उन सभी को इनके द्वारा ऑडिट किया जाएगा, और 100% टैक्स फ्री है आपका जो भी डोनेशन करेंगे अंडर 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2020 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ज्वाइन हैंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। So guys, अभी आप लोगों ने देखा होगा COVID-19 के चलते हुए मेंटल हेल्थ आपका जो एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, सो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपका जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस, सो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके आने वाले समय में काम करने का बात किया गया, जिसमें बेसिकली स्पोर्ट्स के थ्रू आपका, ठीक है, सो अगर आप इन तीनों को देखेंगे जैसे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्पोर्ट्स के ऊपर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एंड WHO आपका हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तीनों आपका मिलके आने वाले समय में स्पोर्ट्स के थ्रू आपका लोगों के हेल्थ को इंप्रूव करने के ऊपर काम करेंगे। चलो अगला रिपोर्ट है आपका, अगला जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, सो ओनली रिपोर्ट जो मैंने आपका इंक्लूड किया है जून मंथ से, तो इसके अलावा अदर जो आपको याद है वो भी आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्टेड ऑफ शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हाउ मेनी परसेंट in the Indian economy in financial year 2021 in its World Economic Outlook report. तो बच्चों आपको एक बात ये ध्यान रखना है ना, ये जो World Economic report है वो किसके द्वारा release किया था, तो आपका right answer क्या होगा, आपका IMF के द्वारा। तो अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2019-2021 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था कितने से गिरेगी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4.5%, एंड जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 वहां पे इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो कितने से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 6% से। तो दोनों रिपोर्ट को अगेन आपको ध्यान रखना। अच्छा गाइज, इसके अलावा कोई और रिपोर्ट जो आपको याद है,
इसके अलावा इवन बहुत सारे रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर कुछ भी आपको याद है तो आप कमेंट्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च द डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट इन जून 2020। तो डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एक प्रोजेक्ट आपका बेसिकली जो जितने भी आपका जितने भी जो व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं, जितनी भी गाड़ियां हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें जो कार्बन आपका जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको बहुत कम करने के लिए या ना पे लाने के लिए, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स या फिर आपका जो भी अदर्स है इन सभी को बूस्टअप करने के लिए आने वाले समय में। तो ये आपका कैंपेन या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किसके द्वारा रन किया जा रहा है, तो एक तो यहाँ पे है आपका इंडिया का एपेक्स प्लानिंग बॉडी जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। अच्छा गाइज, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, बोथ वन एंड थ्री। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे किसी को पता है? जरा कॉमेंट्स के थ्रू लिख के बताएंगे। So both one and three and it means नीति आयोग and आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इन दोनों के द्वारा एक डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के नाम से कैंपेन जो कि 24th of June 2020, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पेरिस के अंदर, ठीक है। और नीति आयोग जो कि प्लानिंग के ऊपर एपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर, इवन जिसको हम लोगों ने बहुत बार स्टडी किया, पेरिस विल बी राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। पुनीत, पेरिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ नायक, थैंक यू सो मच। एंड गाइज, एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं अभी, 166 लाइक है आपका, 200 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करें। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल लॉकडाउन लाइसेंस लीविंग एंड अदर स्टोरीज। So, एक बुक आपका जिसको रिलीज किया गया था सोनू सूद के द्वारा, ठीक है। सो सोनू सूद आपका बॉलीवुड एक्टर जिनके द्वारा अभी रिसेंटली इस बुक को रिलीज किया गया था, और बुक को टाइटल किया गया आपका लॉकडाउन लाइसेंस के नाम से। तो लॉकडाउन लाइसेंस किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शोभा डे मैम, जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर बुक को आपका लिखा गया, ठीक है, और रिलीज किया गया था आपका सोनू सूद सर के द्वारा, ठीक है। सो अपडेट टू अदर्स जिनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, और सोलर पावर फेरी ऑफ विच स्टेट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द गस्टे पेट्रूबा अवार्ड इन जून 2020। सो गस्टे पेट्रूबा अवार्ड जो कि बेसिकली जितने भी आपका जो मोटर बोट, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बोट आपका 8 मीटर या उससे छोटे और उससे बड़े, और इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक बोट से आदर्श है उन सभी के लिए, तो एक सोलर पावर बोट जिसका नाम है आदित्य, सो आदित्य के नाम से इसको लास्ट ईयर आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो बिना फ्यूल के आपका चलता है, सोलर पावर के ऊपर इसको अभी तक रन किया जा रहा है, ठीक है। सो किस स्टेट से ये संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केरला से। तो अभी रिसेंटली इसको आपका एशिया पैसिफिक से गस्टे पेट्रूबा अवार्ड के लिए आपका नॉमिनेट किया गया, सो केरला जहां से आपका ये बिलोंग करता है ये बोर्ड, इवन आप जिसको देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिलीपींस। सो फिलीपींस के अंदर आपका भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सो अगेन जैसे मैंने आपको बहुत सारे एम्बेसडर के बारे में बताया था, तो आज हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इवन आपका, ठीक है। सो जल्दी से आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सभी की तरफ से करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। हाँ काली गुप्ता, थैंक यू सो मच, एंड अदर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कौशल एंड अदर्स जितने भी स्टूडेंट्स आपका, सो गाइस प्लीज थोड़ा सा हेल्प कि आप लाइक जरूर करें सेशन को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो राइट आंसर क्या होगा आपका? शंभु एस कुमारन, जो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो शंभु एस कुमारन जिनको फिलीपींस के अंदर आपका इंडिया के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन अवार्ड एंड ऑनर से रिलेट किया था, सो दी 2020 वर्ल्ड फूड प्राइस गोज टू, सो 2020 आपका विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक है। सो बेसिकली आपका इंडियन अमेरिकन और सॉइल साइंटिस्ट है आपके, ठीक है, मृदा आपका बेसिकली वैज्ञानिक, ठीक है। सो सॉइल साइंटिस्ट आपका जिनको 2020 का आपका वर्ल्ड फूड प्राइस से सम्मानित किया गया, सो इनका नाम क्या है? तो जल्दी से आपको कमेंट्स के थ्रू आपका बताना, ठीक है। सो दी 2020 वर्ल्ड फूड प्राइस गोज टू, सो राइट आंसर विल बी रतन लाल। तो इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल, जिनको उनके बेसिकली आपका 5 डिकेड मतलब 50 इयर्स के अंदर उनके द्वारा जो भी सॉइल के ऊपर जितने भी रिसर्च किए गए उन सभी के चलते हुए आपका ये अवार्ड जिससे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ COVID-19 मैनेजमेंट इंडेक्स विच वॉज एनालाइज फॉर 10 स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी आपका जो कोविड 19 मैनेजमेंट ओवरऑल जो राज्यों का जो कोविड 19 मैनेजमेंट आपका है उसके चलते हुए कोविड 19 आपका जो प्रबंधन है उसके चलते हुए एक रिपोर्ट आपका जारी की जिसके हिसाब से टॉप 10 स्टेट के अंदर आपका किस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा इस पर्टिकुलर इंडेक्स को आपका इस पर्टिकुलर सूचकांक को टॉप किया गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो किस राज्य के द्वारा टॉप किया गया तो आपका राइट आंसर क्या होगा गाइस यहां पे राजस्थान। ठीक है तो राजस्थान जिसके द्वारा भिलवाड़ा के नाम से एक प्रोजेक्ट एक मॉड्यूल भी आपका रिलीज किया था इवेंट के। सो ओवरऑल जो बेस्ट मैनेजमेंट आपका देखने के लिए मिला है वो कहां पे आपका राजस्थान के अंदर। वेरी गुड। हाँ अगला क्वेश्चन इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। ठीक है सो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड बेसिकली अवार्ड सेरेमनी एक डेटा साइंस कंपनी है जिसका नाम है EY या फिर अर्नेस्ट एंड यंग। सो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 गोज टू तो बायकॉन फार्मा के आपका जो चेयरमैन एंड सीईओ है किरण मजुमदार सौ। ठीक है तो किरण मजुमदार सौ मैम जिनको इस पर्टिकुलर अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। तो अगेन जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवन किरण मजुमदार सौ मैम जिनको बहुत सारे अवार्ड्स आपका जो देखने के लिए मिले हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज नेम्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज एक्सेलरेटिंग टू मर्सर्स 26 एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020। तो मर्सर्स के द्वारा आपका एक रिपोर्ट आपका रिलीज किया गया किसके ऊपर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020। ठीक है तो कौन सा शहर आपका रहने के लिए सबसे महंगा है तो जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करें गाइस। तो अगर हम लोग बात करें आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है मर्सर एक जिसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया और जिसके हिसाब से सबसे जो अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव सिटी है वह है आपका हांगकांग। ठीक है सो सबसे एक्सपेंसिव सिटी आपका हांगकांग। अच्छा गाइस इंडिया के अंदर किसके द्वारा टॉप किया गया इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर इंडेक्स को किसके द्वारा टॉप किया गया जरा कमेंट्स करके बताएं जल्दी से। तो इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर इंडेक्स को किसके द्वारा टॉप किया गया तो आपका राइट आंसर क्या होगा मुंबई के अंदर। हाँ 68 नंबर पे है पुनीत ने ऐसा आंसर किया। अगला क्वेश्चन इन जून 2020 साउथ वेस्टर्न रेलवे अनाउंस टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे ने निम्न में से किस स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका बनाने का बात किया गया। सो एट प्रेजेंट कौन है ये भी मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स के अंदर बताया था। ठीक है सो कौन सा आपका जो कि ऑलमोस्ट 1400 मीटर्स के अंदर आपका इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा हुबली रेलवे स्टेशन। और हुबली रेलवे स्टेशन जो कि पड़ता है कहां पे आपका कर्नाटक के अंदर। ठीक है सो हुबली जंक्शन जो कि आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है और जिसको आपका आने वाले समय में 1400 मीटर तक आपका और 10 मीटर की चौड़ाई के साथ डेवलप करने का बात किया गया। एट प्रेजेंट आपका 1366 मीटर के साथ आपका जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो कि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है आपका इंडिया के अंदर। तो जैसे ही ये बनेगा देन आपका हुबली जंक्शन जो कि आपका कहां पे पड़ता है कर्नाटक के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है सो 1400 इंटू 10 और इवन अभी जो एट प्रेजेंट है वो कौन सा आपका गोरखपुर यूपी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन इन जून 2020 इंडियन डीफ क्रिकेट टीम हैज बीन इनवाइटेड बाय डीफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टू पार्टिसिपेट इन डीफ इंटरनेशनल क्रिकेट ओडीआई वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2021। The World Cup will be held in which of the following countries? So, अभी जो इंडिया की आपका जो डीफ टीम है वो उसको इनवाइट किया गया आपका जो डीफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो ओडीआई मैच आपका ओडीआई वर्ल्ड कप आपका जो खेला जाएगा 2021 के अंदर। तो अब क्वेश्चन आपको ये बोला गया कि ये पर्टिकुलर मैच किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएंगे इनकी मेजबानी कौन करेगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा यूनाइटेड अरब अमीरात तो UAE जिसके द्वारा इन पर्टिकुलर मैचेस को आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन In June 2020, a new spider species named after Swedish climate campaigner Greta Thunberg called Thunberg Jan Arnob discovered in which of the following country? तो अभी आपका जो मकड़ियों की एक नई प्रजाति आपका खोजा गया ठीक है तो जिनके द्वारा इसको खोजा गया उन्होंने क्या करा कि इस मकड़ी का जो नाम दिया ना वो किसके ऊपर स्वीडन की आपका 16 साल की एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ठीक है जलवायु परिवर्तन के ऊपर बहुत सारे कैंपेन के द्वारा किए गए ग्रेटा थनबर्ग इवन बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो
आपका थनबर्ग जैन नोब के नाम से इसको जाना जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये मकड़ी कहाँ पे खोजी गई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मेडागास्कर के अंदर। तो मेडागास्कर विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो मेडागास्कर जहाँ पे इस मकड़ी की नई प्रजाति को आपका खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हू अमंग द फॉलोइंग हैज बीन न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आपका, ठीक है। तो किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो कुप्टेग अबोर्नो, जो कि राइट आंसर था, इवन जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंट साइंसेस, ठीक है। सो अभी एक यूनिवर्सिटी आपका जिसके द्वारा एक नया डिपार्टमेंट आपका स्टार्ट करने का बात किया गया, और डिपार्टमेंट को नाम दिया गया स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेट करते जो सब्जेक्ट है उन सभी के ऊपर आपका स्टडी किया जाएगा। तो किसके द्वारा ये नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया, सो राइट आंसर विल बी डी यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसके द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द ऑक्शन प्रोसेस ऑफ 41 कोल कमर्शियल माइंस। तो गाइस ये क्वेश्चन भी इवन हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन आपका जो रिपीट हुए, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी आपका जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर कैंपेन, या इवन अगर हम लोग बात करें ये जो कोल ब्लॉक है इनको अभी रिसेंटली ऑक्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स फ्रॉम 1st of December टू 10th of December 2021। तो 1 दिसंबर से लेकर 10 मार्च 2021 के बीच में आपका होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों का आपका मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बहरीन के द्वारा। सो बहरीन क्योंकि अगले साल आपका 1 दिसंबर 2020 से 10 मार्च 2021 के बीच में आपका जो पैरा यूथ गेम्स जो कि कंडक्ट किए जाएंगे कहाँ पे, आपका बहरीन के अंदर, ठीक है। सो बहरीन जो कि इन पर्टिकुलर इवेंट्स को आपका होस्ट करने वाला, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले आपका कुछ कोर्सेज आपका जो भी रिसेंटली, ठीक है। सो थोड़ा बहुत चाय कॉफी पानी भी आप लोग ले सकते हैं साथ साथ में, और थोड़ा सा मतलब माइंड को रिफ्रेश करें, देन आपका स्टार्ट करें, ठीक है। सो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपका 2020-21 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए एक न्यू कोर्स, इवन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया है। हाँ गाइस, चाय कॉफी पानी ऑर्डर करते रहिए घर में, आप लोग घर में हैं सभी, ठीक है। सो दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइंड काम करते रहना चाहिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5-member इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू गाइडलाइंस रिलेटेड ओनरशिप गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके ओवरऑल ओनरशिप स्टेक होल्डिंग गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को आपका जो भी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है उनको रिव्यू करने के रिगार्डिंग एक कमेटी आपका बनाएगा, जिस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पीके मोहंते। सो पीके मोहंते जो कि राइट आंसर आपका होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, और आने वाले समय में मतलब टिल 30th of September 2020 ये अपनी रिपोर्ट रिलीज करेंगे, और उसके हिसाब से जो सुटेबल अमेंडमेंट्स है उन सभी को आपका करियर बना लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू रीच चैलेंजर डीप द डीपेस्ट पॉइंट इन एनी ओशन। सो गाइस ये पर्सनैलिटी आपका काफी ज्यादा न्यूज में रहे, ठीक है। तो इवन इनके नाम आपका एक रिकॉर्ड भी है कि इनके द्वारा आपका स्पेस जंप भी किया गया था, ठीक है। सो पहली ऐसी महिला जिनके द्वारा स्पेस वॉक भी किया गया, और आपका जो अगर हम लोग बात करें जी जो ओशन के अंदर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है या जिसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है वहां पे भी आपका पहुंचे, ठीक है। सो नाम क्या है आपका, कैथी सुबलेन। सो कैथी सुबलेन जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, ठीक है। सो कैथी सुबलेन जो राइट आंसर होगा, और इवन इनके रिकॉर्ड या ये पर्सनलिटी जिनको आपका थोड़ा बहुत ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन बेस्टेड विद द नासा सर्विस मेडल इन जून 2020। सो नासा विशिष्ट सेवा मेडल से आपका किसको सम्मानित किया गया, तो एक इंडियन साइंटिस्ट जो कि काफी लंबे समय से नासा के साथ काम करें, तो उनके ओवरऑल सर्विसेज के लिए आपका अभी रिसेंटली नासा विशिष्ट सेवा मेडल से या नासा सर्विस मेडल से आपका इनको सम्मानित किया गया है। सो नाम आपसे पूछा गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रंजीत कुमार, ठीक है। सो ऑप्शन फोर
ऑप्शन फोर रंजीत कुमार विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो रंजीत कुमार काफी लंबे समय से आपका नासा के साथ काम कर रहा है, उनके बेसिक उनकी जो सर्विसेज है उन सभी के लिए. अगला क्वेश्चन, अ प्रोविजन ऑफ हाउ मेनी रुपीज इन करोड़ हैज बीन मेड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और स्कीम इन अ करेंट फिस्कल ईयर 2020-21. सो जब बजट आपका आया था पहला 1 फरवरी को, तो अराउंड 61,000 करोड़ रुपीज का आपका अलॉटमेंट किया गया था. दूसरा अभी आत्मनिर्भर भारत आया तो उसमें आपका 40,000 करोड़ रुपीज का और आपका अलॉटमेंट किया गया, ठीक है. सो टोटल आपका जो ओवरऑल आपका कितना अलॉटमेंट है, तो एग्जैक्ट अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो 1,01,500 करोड़ रुपीज का जो अलॉटमेंट किया गया किसको, आपका मनरेगा को, ठीक है. इवन अभी आप लोगों ने देखा होगा जो माइग्रेंट वर्कर्स जो अभी रूरल एरियाज के अंदर शिफ्ट हुए, तो उनको वहां पे उनके लोकल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिलाने के रिगार्डिंग ये कैंपेन, और जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस पर्टिकुलर पैसे को आपका यूज किया जाएगा. अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अभी मतलब सभी लोगों का दिमाग काम कर रहा है ना, ठीक है. ब्रेक का जरूरत नहीं है किसी को, अगर ब्रेक का जरूरत है तो हम लोग ब्रेक भी ले सकते हैं, एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक भी ले सकते हैं. अगर सब कुछ सही चल रहा है तो चलते रहते हैं, ठीक है. तो अगर किसी को ब्रेक का जरूरत है गाइस आप लोग लिख सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट उत्तराखंड. In June 2020, which of the following cities has declared as a new or as the summer capital of Uttarakhand? तो उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में आपका किसको नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा करें. तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गैरसन. सो अभी अभी तक आपका उत्तराखंड का ओनली कैपिटल था देहरादून, तो अब देहरादून आपका विंटर कैपिटल होगा एंड गैरसन जो कि आपका समर कैपिटल होगा कहाँ के लिए, देहरादून के लिए, ठीक है. सो गैरसन एंड आपका देहरादून दो कैपिटल आपका जो कि रहेंगे किसके लिए, आपका उत्तराखंड के लिए, ठीक है. अगेन काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना, कंटिन्यू रखें. हाँ बहुत मतलब सभी स्टूडेंट्स का जोश बिल्कुल हाई है, ठीक है. सो 100 में से 100 लाने हैं गाइस सभी को. अगला क्वेश्चन आपका, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू सेट अप खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द खेलो इंडिया स्कीम. सो खेलो इंडिया स्कीम के तहत आपका आने वाले समय में खेलो इंडिया सेंटर स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनको खोलने का बात किया गया. बेसिकली यहाँ पे आपका जितने भी जो स्टूडेंट जितने भी जो जो प्लेयर्स हैं, जितने भी जो यूथ है उन सभी का आपका, या जितने भी जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उन सभी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या फिर उनको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर आपका जो ट्रेनिंग मिल सके, और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बेयर किया जाएगा आपका खेलो इंडिया स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है. So, किसके द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. सो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किरेन रिजिजू सर जिनके द्वारा इसको आपका रिलीज किया गया था. अगला क्वेश्चन आपका एफडीआई के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका एक रिपोर्ट रिलीज किया गया, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 बाय यूएनसीडीएडी, इंडिया वाज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी Which number of largest recipients of FDI in 2019 are generating a $51 billion during the year 2019. So 2019 के अंदर आपका भारत के अंदर जो total FDI आया है कितने का, $51 billion का. तो इसके particular investment के हिसाब से world के अंदर हम लोग कौन से number पे आते हैं, तो आपका right answer क्या होगा, 9 number पे, ठीक है. So US जिसके द्वारा इस report का आपका top किया गया, ठीक है. यूएस के आपका जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई देखने के लिए मिला है, अदर्स इंडिया का ओवरऑल रैंक आपका 9 नंबर पर. अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टीजियस रिचर्ड डॉकिन अवार्ड 2020. सो गाइस फर्स्ट इंडियन आपका इवन कैटेगरी अदर्स जिसको आपको ध्यान रखना है. सो प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार 2020 से आप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, लेरिस्ट जावेद अख्तर. सो जावेद अख्तर सर आपका जिनको इस पर्टिकुलर अवार्ड से आपका सम्मानित किया है. सो जावेद अख्तर जो की करेक्ट आंसर आपका होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. अगला क्वेश्चन, In June 2020, who has been appointed as next ambassador of India to Switzerland? So, Switzerland के अंदर आपका भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? Guys, बहुत ही easy question है, जल्दी से आपका right answer mark करें. तो स्विट्जरलैंड के अंदर आपका भारत के अगले राजदूत के रूप में या फिर नए राजदूत के रूप में आपका किसको नियुक्त किया गया, ठीक है.
सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आंसर मार्क करें आप करिए। सो मोनिका पुनीत ने आपका सबसे पहले आंसर किया, अदर्स हाँ। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मोनिका मेहता या मोनिका कपिल मेहता, जिनको अभी रिसेंटली आपका स्विट्जरलैंड के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेज टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 21 बिलियन यूएस डॉलर टू फाइट कोविड 19 पेंडेमिक। तो अभी रिसेंटली आपका एक ग्रुप आपका जिसके द्वारा कोविड 19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए 21 बिलियन यूएस डॉलर का फंड क्रिएट करने का बात किया गया, और इवन जो भी इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन सभी को आने वाले समय में फाइनेंस करने का बात किया गया। तो ग्रुप का नाम क्या है आपका, तो राइट आंसर क्या होगा, ग्रुप 20 G20 आपका जो करेक्ट आंसर होगा। और G20 की जो रिसेंट मीटिंग आपकी हुई थी वो सब कहाँ पे हुई है, सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है। तो G20 आपका 2022 का आपका जो इवेंट जो मीटिंग होंगी वो आपका इंडिया के अंदर, और अभी जो रिसेंट मीटिंग आपका हुआ था कहाँ पे, सऊदी अरब के अंदर। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष पे आपका उत्तराखंड का सबसे जो बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जैव विविधता पार्क है, वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हल्द्वानी के अंदर, ठीक है। सो एक प्लेस आपका पड़ता है उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी, जहाँ पे ये अभी रिसेंटली ये इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज अज्यूम ऑफिस एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर 2020-21। सो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, ठीक है। सो अभी रिसेंटली आपका ये अनाउंसमेंट इवन, ठीक है। सो इससे पहले आपका आर्सेलर मित्तल के जो चेयरमैन है या फाउंडर है वो, और अभी रिसेंटली आपका कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD एंड CEO है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या होगा गाइस, उदय कोटक। सो कोटक महिंद्रा बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है उदय कोटक, जो कि आपका जिनको अभी रिसेंटली CII या फिर आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के रूप में आपका नियुक्त किया गया 2020-21 के लिए। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज हैव लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू कंडक्ट स्किल मैपिंग ऑफ सिटीजन रिटर्निंग अंडर वंदे भारत मिशन। सो वंदे भारत मिशन आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या दस इनके द्वारा एक कैंपेन जिसमें जो विदेशों के अंदर फंसे हुए भारतीय हैं उनको भारत लाने के रिगार्डिंग, अब भारत ला गए तो आने वाले समय में उनको जॉब आपका देने के लिए एक पोर्टल आपका लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया स्वदेश के नाम से। सो स्वदेश के नाम से एक पोर्टल आपका जो जिसमें जैसे जितने भी ऐसे जो आपका जो विदेशी जो विदेशों में रहने वाले भारतीय जो वापस आए हैं इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर वो अपने आपको एनरोल कर पाएंगे और उनके जो स्किल सेट है उनके हिसाब से आने वाले समय में उनको इंडिया के अंदर जॉब ऑफर किए जाएंगे। किसके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट सिविल एविएशन एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। एंड स्वदेश के इस पर्टिकुलर कैंपेन को नाम दिया गया आपका स्वदेश, इन स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है आपका, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंटल सपोर्ट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जो कि इसको नाम दिया गया, वेरी गुड गाइस। स्वदेश का जो फुल फॉर्म है अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ प्लान ऑफ हाउ मेनी रुपीस इन करोड़ टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। सो बेसिकली आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है, लाइक अगर हम लोग बात करें जैसे मोबाइल फोन्स या फिर आपका चिप एंड अदर्स, इन सभी को डेवलप करने के लिए आने वाले समय में मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है उन सभी को बढ़ाने के लिए तो 50,000 करोड़ रुपीस का एक अलॉटमेंट आपका जो कि किया गया था, ठीक है। सो 50,000 करोड़ रुपीस आपका ये अलॉटमेंट, इवन बजट 2020 जब ये अनाउंसमेंट आपका किया गया था और अभी रिसेंटली जून 2020 जब इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया रिसेंट के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन अ रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइजेस, ठीक है। सो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसके द्वारा जीता गया और इनके बुक का नाम जरूर बताएं, ठीक है। तो गाइज अगेन काफी इंपॉर्टेंट नेम है, काफी इंपॉर्टेंट सो इवेंट, ठीक है। सो बेसिकली राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपका राइट आंसर होगा कृतिका पांडे, और इनकी जो बुक का नाम था वो क्या था आपका, द ग्रेट इंडियन टी एंड
स्नेक्स। तो द ग्रेट इंडियन टीज एंड स्नेक के नाम से एक शॉर्ट स्टोरी, कुछ शॉर्ट स्टोरी जो कि आपका किसके द्वारा लिखे गए, कृतिका पांडे के द्वारा, जिसके चलते हुए अभी इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया। तो कृतिका पांडे जो राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, in June 2020, which of the following NGO has been conferred with the World No Tobacco Day Award 2020 by World Health Organization? Guys, Hindi translation को ignore कीजिएगा, ठीक है? तो WHO World Health Organization के द्वारा आपका अभी जो World No Tobacco Day 31st मई को जो मनाया था basically, ठीक है? So इसके उपलक्ष में आपका एक NGO जिसको आपका recently World No Tobacco Day Award से एनजीओ का नाम क्या है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, शीट्स। तो शीट्स के नाम से ये जो एनजीओ है आपका, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका बिहार एंड झारखंड के अंदर आपका जितने भी जो पान गुटखा मसाला या अदर्स इन सभी को बैन करने के रिगार्डिंग आपका काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 आरबीआई अनाउंस the creation of payment infrastructure development fund of how many crores to promote digitalization. So basically आपका डिजिटलीकरण या फिर डिजिटलाइजेशन को आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या अदर्स जो टेक्नोलॉजीज उन सभी को डेवलप करने के लिए आरबीआई के द्वारा रिसेंटली एक नया फंड आपका रिलीज किया गया जिसको नाम दिया गया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से। तो कितने अमाउंट के साथ इसको लॉन्च किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 500 करोड़। तो 500 करोड़ रुपए के ओवरऑल एलोकेशन के साथ इस फंड को आपका रिलीज किया गया आरबीआई के द्वारा। तो फुल फॉर्म आपका ध्यान रखना गाइस और ओवरऑल एलोकेशन भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज रिलीज्ड एन ई-बुक वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। सो अभी एक नया बुक आपका बेसिकली जो एनडीए गवर्नमेंट को आपका एक साल पूरा हुआ जून के अंदर, ठीक है, तो इन्होंने एक बुक आपका रिलीज किया जिसको टाइटल किया गया वन ईयर ऑफ मोदी 2.0, ठीक है। इस पर्टिकुलर बुक के अंदर पूरे साल भर के अंदर जो भी मेजर डिसीजन है लाइक आर्टिकल 370, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, COVID-19 ड्यूरेशन में हाउडी मोदी, इसके अलावा आपका नमस्ते ट्रंप या अदर्स, ये जितने भी जो आपका जो की अचीवमेंट आपका एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, जो इन सभी के बारे में इन सभी इस पर्टिकुलर बुक के अंदर आपका लिखा गया, ठीक है। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रकाश जावड़ेकर सर जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर बुक को आपका लॉन्च किया गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स द फर्स्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट विल बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वाड्रन यूनिट। सो गाइज, जैसे हम लोगों ने आपका बहुत सारे राफेल जेट राफेल एयरक्राफ्ट आपका, तो उनमें से पहला पेड़ आपका 3 एयरक्राफ्ट जो कि अभी रिसेंटली आपका एक आपका इंडियन एयरफोर्स बेस जिसका नाम है गोल्डन एरो। सो गोल्डन एरो अगर हम लोग बात करें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो कि बेस है कहां पे आपका अंबाला के अंदर, ठीक है। सो गोल्डन एरो अंबाला आपका जहां पे इसको आपका लगाने का बात किया या जो फर्स्ट 3 आपका जो राफेल जेट है इनको आपका इंक्लूड किया या आपका कहीं ना कहीं कहां पे लाया जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गोल्डन एरो अंबाला के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, in June 2020, who has been appointed as next ambassador of Kuwait? तो कुवैत के अंदर आपका भारत के अगले या नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिवी जॉर्ज। सो सिवी जॉर्ज आपका जिनको कुवैत के अंदर भारत के नए राजदूत के रूप में आपका नियुक्त किया गया, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो वेरी गुड गाइज। हाँ, सभी स्टूडेंट जिन्होंने आपका राइट आंसर किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, in June 2020, who among the following has been nominated by BCCI for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020? So BCCI के द्वारा आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसको नॉमिनेट किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा, ठीक है। तो रोहित शर्मा आपका जिनको नॉमिनेट किया गया, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड के लिए बहुत सारे अदर प्लेयर जिनको आपका BCCI के द्वारा नॉमिनेट किया गया। एक और बुक आपका, ठीक है, जो कि जून 2020 के अंदर रिलीज हुआ, बुक को आपका नाम दिया गया बिहाइंड द मास्क, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज रिटन द बुक बिहाइंड द मास्क, ठीक है। सो बिहाइंड द मास्क आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद अब्दुल मेनन, ठीक है। सो मोहम्मद अब्दुल मेनन जो अभी एक नए बुक के साथ आपका आए हैं और जिस बुक को टाइटल किया गया आपका बिहाइंड द मास्क के नाम से, ठीक है। सो बेसिकली आपका COVID-19 ड्यूरेशन के अंदर शॉर्ट स्टोरीज इसमें आपका बहुत सारी जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2020 who has been appointed as next ambassador of India to Finland? तो काफी इंपॉर्टेंट नेम है गाइस, ठीक है। ये नेम आपका इवन बहुत बार हम लोगों ने इनको डिस्कस भी किया, ठीक है, बहुत बार इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है।
तो नेम क्या है आपका? रवीश कुमार। सो फिनलैंड के अंदर आपका भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया किसको आपका? तो आपका राइट आंसर होगा रवीश कुमार। ठीक है, रवीश कुमार जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, the president of which of the following country has announced that it is terminating its relationship with World Health Organization over its handling of coronavirus? तो एक देश के आपका राष्ट्रपति ने, जो कि ये पर्टिकुलर कंट्री आपका WHO का सबसे बड़ा फंडर है, ठीक है, तो WHO की जो 15% की जो ओवरऑल फंडिंग आती है ना, वो कहां से आती है? US के द्वारा। और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आपका अभी जो ये फंडिंग है इसको भी हॉल्ट करने का बात किया, और साथ ही साथ WHO के साथ अपने रिलेशन को टर्मिनेट करने का भी बात किया। ठीक है, सो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स आपका जो नए जुड़े हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ? सो एक नया कैंपेन आपका जिसको नाम दिया गया रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के नाम से। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज वी नो कि वर्ल्ड की मोस्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी इसके ऊपर आपका जो भी हमारे जो स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी को आपका इसके बारे में अवेयरनेस देने के रिगार्डिंग एक कैंपेन जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, सो रविशंकर प्रसाद जिनके द्वारा इस कैंपेन को आपका लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन थर्ड आपका रविशंकर प्रसाद जो कि करेक्ट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हैव इंक्लूडेड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? सो वन नेशन वन राशन कार्ड आपका जिसमें ऑलरेडी 17 स्टेट आपके थे, ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपका कुछ और स्टेट जो इसमें ऐड किए गए, ठीक है, तो टोटल स्टेट आपका 3 और अभी आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हो गए? 20। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड, अगर आप इन 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के मेंबर हैं, तो जो फूड कार्ड के ऊपर जो राशन कार्ड के ऊपर जो फैसिलिटीज है ना, वो आप कहीं से भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, इट मींस उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, ये तीनों स्टेट जिसको इसमें आपका भी रिसेंटली इंक्लूड किया गया। ठीक है, वेरी गुड गाइस। हाँ, सो वन नेशन वन राशन कार्ड अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, इवन बहुत बार आपका ये जो न्यूज में रहा है। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च चैंपियन पोर्टल फॉर MSME? तो MSME के लिए आपका, ठीक है, सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को आपका रिजॉल्व करने के लिए एक वन स्टेशन आपका बेसिकली एक वन कॉमन स्टेशन आपका या प्लेटफॉर्म जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनके द्वारा इस पर्टिकुलर पोर्टल को आपका लॉन्च किया गया। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, चैंपियन का अगर फुल फॉर्म किसी को पता है तो जल्दी से कॉमेंट्स के थ्रू लिख के आपका जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव टू एक्सटेंड द इंडिविजुअल सैंक्शन ट्रेवल बैन और एंड एन आर्म एम्बार्गो अंटिल मई 2021? तो एक कंट्री आपका जिसके ऊपर जो हथियार प्रतिबंध है वो आपका एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या फिर आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है, सो बेसिकली जो इलीगल ग्रुप है उन सभी को आपका आर्म सप्लाई करने के वजह से इस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर काफी लंबे समय से बैन लगाया गया, अभी रिसेंटली एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया। सो कंट्री का नाम क्या है आपका? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? साउथ सूडान। सो साउथ सूडान जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 31 मई 2021 के लिए आपका इसके ऊपर ये जो बैन है इसको एक्सटेंड किया गया। अगला क्वेश्चन, In June 2020, who among the following has been given a one-year extension by the BCCI to serve BCCI Ethic Officer and Ombudsman? So BCCI के अंदर आपका जितने भी जो आपका BCCI के अंदर जितने भी जो केसेस आपके हैं यादव उन सभी को डील करने के रिगार्डिंग एक पर्सनैलिटी जिनका नाम है आपका DK जैन। तो DK जैन जिनका जो कार्यकाल है उसको अभी एक साल से आपका इंक्रीज किया गया। ठीक है, सो DK जैन आपका जिनका जो कार्यकाल है उसको वन ईयर से आपका इंक्रीज किया गया। अगला क्वेश्चन, इन जून 2020 सेंटर हैज अप्रूव 812 करोड़ रुपीस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्यूरिंग 2020-21? तो जल जीवन मिशन आपका जो कि 2017 के अंदर आपका लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर एंड 2024 तक हर घर में आपका जो टैप वाटर या फिर जो नल का पानी और शुद्ध पानी पहुंचाने का टारगेट लिया गया। तो अभी एक स्टेट आपका जिसको
केंद्र सरकार के द्वारा 812 करोड़ रुपए आपका दिया गया। राज्य का नाम क्या आपका उड़ीसा स्टेट का, और उड़ीसा के हर घर के अंदर आपका बेसिकली शुद्ध पानी पहुंचाने के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर कैंपेन को, और इवन जो टारगेट ये रहेगा वो सेम रहेगा 2024। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। In June 2020, who among the following has been nominated for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award by Hockey India? So Hockey India के द्वारा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस प्लेयर को आपका नॉमिनेट किया गया? तो गाइज जैसे आप लोग जानते हैं 29 अगस्त जब आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका मनाया जाएगा, तो उस दिन आपका इन सभी जो अवार्ड विनर्स हैं उन सभी का अनाउंसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि हॉकी इंडिया के द्वारा किसको आपका अपॉइंट किया गया, तो रानी रामपाल जो कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, और इनका जो परफॉर्मेंस है या इवन इनकी पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस है और पिछले कुछ साल के अंदर काफी अच्छा रहा है। ठीक है, सो जिनके चलते हुए अभी रिसेंटली आपको इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, In June 2020, who has been appointed as chairman of BAFTA, या फिर British Academy Film and Television Award? ठीक है, so Oscar Award या Academy Award के बाद film industry के अंदर दूसरा सबसे बड़ा award है आपका BAFTA Award। ठीक है, so BAFTA Award का या जो BAFTA ceremony है इसका जो recently नया chairman किसको appoint किया गया? So your right answer will be Krishnendu Majumdar. So, Krishnendu Majumdar जो कि बेसिकली एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है आपका, जो टीवी सीरीज या जो टीवी सीरियल है इन सभी को आपका इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सो कृष्णेंदु मजूमदार जो कि अपने आप में सबसे यंगेस्ट है आपका इस पर्टिकुलर जो मतलब लास्ट 73 इयर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें बाफ्टा की इस पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे कम एज के अंदर आपका इसका चेयरमैन बनने का जो रिकॉर्ड बनाया गया किसके द्वारा? कृष्णेंदु मजूमदार के द्वारा। चलो गाइस अब आप लोगों का टाइम शुरू होता है। ठीक है, अब बारी आती है डे से रिलेटेड का। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका 15 मिनट अराउंड हम लोग आपका डेज को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो डेज के अंदर हमेशा आप लोग आंसर करते हैं, तो इस बार भी सेम सीरीज हम लोग फॉलो करेंगे। सो मैं आपको अराउंड 10-15 डेज आपका उनकी थीम याद है सारी चीजें कराने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइस एक बार जल्दी से आपका जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े वो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देन हम लोग आपका एक क्विज जिसको आपका बेसिकली डेज के ऊपर जो क्विज आपका। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सो वेरी गुड आइस, हाँ सो पहले आंसर आ गया आपका, सभी का आंसर करेक्ट आया। ठीक है, सो 5th of June एवरी ईयर, और इस बार का जो थीम आपका था वो क्या था? बायोडायवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एसेंशियल्स। ठीक है, सो बायोडायवर्सिटी थीम के साथ बेसिकली आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि मनाया जाता है हर साल कब आपका 5 जून को, और 1974 से इस पर्टिकुलर डे को आपका मनाया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे? सो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? गाइज एक बार जल्दी से प्लीज आपका सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सो अभी आपके पास टाइम भी है, इवन हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, तो जल्दी से एक बार शेयर करें और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनाइटेड नेशंस रशियन लैंग्वेज डे। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशंस की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सो 6 आपका कामकाजी भाषाएं हैं किसके लिए आपका? संयुक्त राष्ट्र के लिए, जिसमें आपका जैसे चाइनीज लैंग्वेज डे हम लोगों ने पढ़ा था, अरेबिक हम लोगों ने पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, तो इस बार आपका रशियन लैंग्वेज डे पूछा गया। ठीक है, सो 6 जून आपका, ठीक है, ओके चलो ठीक है, जो मेजोरिटी बोलेगा वही मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, तो 6 जून आपका हर साल का क्या मनाया जाता है? आपका यूनाइटेड नेशंस रशियन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड गाइस, हाँ वेरी गुड, लेकिन शेयर नहीं किया किसी ने मेरे को लग रहा है, क्योंकि 176 है और वहीं पर रुके पड़े। ठीक है, सो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा नंबर को 200+ लेके चलते हैं फिर से एक बार। ठीक है, सो जिससे जो और लोग हैं ना उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे of innocent children victims of aggression observe? So मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर basically आपका international day of innocent children victims of aggression, तो जो मासूम बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं उनके खिलाफ आपका जो भी कहीं ना कहीं जो हरेसमेंट या दसो एरिया आपके होते हैं उन सभी के रिगार्डिंग एक दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो उसको कब मनाया जाता है? तो 4 जून आपका। ठीक है, ओके, सो 4th जून आपका, चलो ठीक है, सभी ने आपका राइट आंसर मार्क किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो 4 जून आपका जो राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन,
When is तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो तेलंगाना जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, तो इस बार आपका 6th एनिवर्सरी इसके द्वारा मनाएगा, ठीक है, तो यंगेस्ट स्टेट इन इंडिया तेलंगाना, ठीक है, तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे कौन से डेट पे मनाया था, कब आपका तेलंगाना को बनाया गया था, तो जल्दी से आपका ओके हाँ ओके अभी पिछले क्वेश्चन के आंसर्स मुझे मिले थे। सो दास का कहना आपका 2nd जून, इसके अलावा आरती आपका 4th वन बोले, आई थिंक लास्ट वन के लिए होगा, ठीक है, पुनीत अगेन 2nd जून, 2nd जून, और नीलेश ने आपका मेंशन किया 1st जून, ठीक है, तो 1st और 2nd के अंदर आपका जो यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी 1st जून होना चाहिए, लेट्स सी, तो ओके 2nd जून आपका, ठीक है, सो 2nd जून आपका करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो डेज के ऊपर मैं बेसिकली कंफ्यूज रहता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, सो आप इसीलिए मैं आपको देता हूँ ये वाला पूरा टास्क, तो 2nd जून आपका, 2nd जून जो कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में, और इस बार आपका 6th तेलंगाना फॉर्मेशन डे और इंडिया का सबसे यंगेस्ट स्टेट को बोला जाता है। हाँ वेरी गुड गाइज, सभी ने आपका राइट आंसर, मेरा पहला इनकरेक्ट आंसर है आज का ही। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, सो विश्व साइकिल दिवस आपका कौन से डेट पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो जल्दी से आंसर करें आपका, ठीक है, विश्व साइकिल दिवस, हाँ कोई नहीं कौशल, हम सेम रो के अंदर है, ठीक है, तो डेज के अंदर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, 3rd जून 3rd जून 3rd जून, तो अभी आप मैं सिर्फ मेजोरिटी के साथ जाऊंगा अभी से, ठीक है, सो 3rd जून आपका, वेरी गुड, हाँ सो 3rd जून आपका जो राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, ठीक है, वेरी गुड, हाँ इवन इवन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सभी ने आपका सिमिलर ओके आंसर। अगला आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये डे तो मुझे पता है, ठीक है, सो ये सभी को पता होगा आई होप, सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे या फिर आपका विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अच्छा गाइस जल्दी से आपका, हाँ आरोही आपका बोले कि फादर्स डे भी मनाया जाता था सेम डेट के ऊपर, ठीक है, ओके वेरी गुड, हाँ सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे या फिर विश्व रक्तदान दिवस आपका कौन से डेट के अंदर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है, सो जल्दी से आपका आंसर मार्क 14 जून, हाँ ठीक है, दास बहुत तेजी से आंसर आपका करें, ठीक है, 14 जून 14 जून, हाँ चलो ठीक है, सो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं आपका, 14 जून एवरी ईयर, और इस बार का जो थीम आपका जो विषय वस्तु था वो क्या था आपका, सेव ब्लड सेव लाइफ, ठीक है, जो तो थीम है आपका उसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, सो बेसिकली जो भी आपका चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट में आपका जो डे सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डेट पर, या इस पर्टिकुलर डे के अगेंस्ट या इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग जो डे है वो कौन से डेट पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, सो राइट आंसर क्या होगा, हाँ चलो लास्ट वन आपका सभी ने आंसर किया था, ठीक है, विवेक का कहना आपका 8 जून 1st वन आपका, ठीक है, ओके विकी आपका, विकी बहुत देर के बाद आंसर करें, ठीक है, आई थिंक या विकी ने आंसर किया मैं देख नहीं पाया, तो 12 जून 12 जून, ठीक है, ओके शेयर कर दिया, ठीक है, सुब्रता थैंक यू सो मच, 12 जून, ठीक है, चलो 12 जून आपका हर साल जो कि बेसिकली जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे जो काम लिया था वो नहीं होने की वजह से ये पर्टिकुलर डे आपका या नहीं ना करा जाए उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है, तो आप लोगों को तो पता हो गया होगा, ठीक है, ये सबको पता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, सो कब मनाया जाता है इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, 21 जून, ठीक है, सो 21 जून एवरी ईयर आपका मनाया जाता है क्या, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, सो इंटरनेशनल योगा कैपिटल योगा जहां से ये इवेंट्स आपका या योगा यूनिवर्सिटी अदर्स बहुत सारी चीजें जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज अ वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व एवरी ईयर, सो बेसिकली आपका जो मरुस्थलीकरण और जो सूखे का प्रभाव है जो दिन पर दिन आपका बढ़ता जा रहा है उसके रिगार्डिंग आपका अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग एक डे आपका जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है, सो वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, तो मरुस्थलीकरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए या सूखे को आपका जो प्रॉब्लम उसको खत्म करने के रिगार्डिंग, ठीक है, सो विक्की ने आपका बोला है 16, इसके अलावा पुनीत का कहना है 17, ठीक है, ओके, और इसके अलावा नीलेश अनिल आदर्श, हाँ चलो सभी लोग आपका 17 बोले, ठीक है, सॉरी विक्की, हम जाएंगे किसके साथ आपका सभी और मेजोरिटी के साथ, ठीक है, सो 16 जून आपका जब हर साल मनाया जाता है इस पर्टिकुलर जून, 17 जून आपका हर साल जो इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा अगला आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस फूड फीड फाइबर, ठीक है, हाँ आरोही इवन जिन्होंने आपका थीम भी आपका मेंशन किया, ठीक है, तो आरोही नेहा दस इन्होंने भी आपका ये जो थीम भी आपका मेंशन किया, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है,
वर्ल्ड रिफ्यूजी डे या विश्व शरणार्थी दिवस आपका कौन से डेट पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। हाँ ठीक है, चलो 17 जून अभी मिल रहा है, ठीक है, मेजोरिटी के साथ जाना पड़ता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। सो 20th, चलो ठीक है, 20th, तो 20th जून आपका, सबका कहना कि इस डेट पे क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड शरणार्थी या विश्व शरणार्थी दिवस, या फिर आपका बेसिकली इसको नाम दिया गया आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के नाम, ठीक है। एवरी एक्शन काउंट, वेरी गुड, हाँ मुनीर, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो इवन आरोही एंड अदर्स, सो एवरी एक्शन काउंट, जो कि थीम आपका या विषय वस्तु रखा गया था इसके लिए। What is the theme of refugee day? तो आपका राइट आंसर हमें मिल गया, राइट आंसर हमें पहले ही मिल गया, एवरी एक्शन काउंट, जो की थीम आपका था इस पर्टिकुलर डे के लिए, ठीक है। सो वेरी गुड गाइज, हाँ चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, when is इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो जैसे जो भी जो माइग्रेंट वर्कर्स जो कहीं ना कहीं दूसरे एरिया या दूसरे कंट्रीज के अंदर काम करें, तो उनके फैमिली को आपका फंड ट्रांसफर या दस, इवन जिनके जो कहीं ना कहीं जिनके जो घरों में आपका जो फैमिलीज है, उन सभी को आपका, उन सभी के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर डे जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस के नाम से, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कौन से डेट पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो अगेन चलो इस क्वेश्चन का दास का कहना है 16 जून, ठीक है, ओके दास। इसके अलावा आरोही, अगेन आपका आरोही का कहना है 12 जून, ठीक है। इसके अलावा जॉन का कहना है 16 जून आपका, ओके वेरी गुड गाइस, हां। सो 16 जून एवरी ईयर, जो कि आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनकी फैमिली को टेक केयर करने के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन, when is यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विसेज डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जितने भी जो सिविल सर्वेंट है उन सभी के कंट्रीब्यूशन को की सराहना करने के लिए एक दिवस आपका स्टार्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, इसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विसेज डे के नाम से, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विसेज डे किसके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा, 23rd जून, हाँ आई थिंक 23rd जून जो राइट आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, वेरी गुड, हाँ। तो 23rd जून आपका, बहुत सारे डेज है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोगों का जो डे वाला जो पोर्शन है वो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप लोगों के जो आंसर है उनको कंसिडर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कौन से डेट पे मनाया जाता है। सो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो कि कब मनाया जाता है, तो अगेन आपका राइट आंसर क्या होगा, 23rd जून, ठीक है। सो अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा आपका, 23rd जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। So I think ये पर्टिकुलर डे भी अगेन आपका 23rd जून ही होना चाहिए। सो 26 जून, ठीक है, ओके, हाँ 26 जून आपका जो कि राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और इसका जो थीम है, जिसका विषय वस्तु आपका था, वो क्या था, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है। सो 26 जून आपका, और ये पर्टिकुलर या इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग, जिसका डे आपका हर साल 26 जून को, और बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर जो कि इसका थीम और विषय वस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, when is a day of a seafarer observed every year? So seafarer आपका जितने भी जो समुद्र के अंदर आपका जो भी जो मरीन या अदर्स इनके अंदर जो काम करते हैं, ठीक है, तो उन सभी के जो डॉक्स या अदर्स इनके ऊपर, ठीक है, जो सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में, तो उन सभी का जो योगदान है वर्ल्ड इकोनॉमीज को, उन सभी के उसमें एक डे आपका मनाया जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, द डे ऑफ सीफेयरर, या फिर सीफेयरर दिवस के रूप में जिसको आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, तो ये कौन है, चलो इनको हम लोग बैन करेंगे जल्दी से, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट, अच्छा गाइस क्या होगा राइट आंसर आपका, 25 जून, ठीक है, ओके 25 जून आपका जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MSME डे कौन से डेट पे मनाया जाता है। सो MSME डे कौन से डेट पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो MSME डे आपका कौन से डेट पे मनाया था गाइस, जल्दी से आपको आंसर मार्क करना है। सो MSME डे कौन से डेट पे मनाया था, तो जितने भी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन सभी के बेसिकली आपका इकोनॉमिक के रिगार्डिंग, इन सभी का जो बेसिक जो जो कंट्रीब्यूशन है, या किसी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए जो इनका, या इवन आपका जो डेवलप्ड नेशंस है उन सभी के लिए भी, ठीक है। सो 27 जून आपका जो कि हर साल मनाया जाता है MSME डे के रूप में, ठीक है।
लास्ट 10 आया, आई थिंक ये फाइनल वन आपका होगा. ओके चलो एक और है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे. तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है आपका, बेसिकली जो जो भी मतलब जो हर एक रीजनल जो क्विजींस आपके होते हैं ना, जैसे हर एक एरिया के अंदर अलग अलग फूड आपका होता है, ठीक है. जैसे इंडिया के अंदर बहुत वैरायटी ऑफ फूड आपको मिलते हैं, साउथ के अंदर अलग मिलेगा और इसके अलावा नॉर्थ के अंदर अलग आपको मिलेगा, ठीक है. इवन जैसे हर एक कंट्री का, जैसे आपका अगर आप थाईलैंड जाते हो तो थाई फूड है, इसके अलावा आपका जैपनीज है, चाइनीज है या अदर्स कॉन्टिनेंटल एंड अदर्स. तो हर एक कंट्री का आपका या हर एक एरिया का जो अलग अलग फूड आपका क्वालिटी होता है या जो डिशेज आपके हैं उन सभी को प्रमोट करने के रिगार्डिंग, या जो भी रीजनल रीजनल आपका जो फूड डिशेज है उन सभी को प्रमोट करने के रिगार्डिंग एक डे आपका, जिसको नाम दिया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है. सो 18 जून आपका सभी का कहना है, ठीक है. सो राइट आंसर आपका 18 जून और इस पर्टिकुलर डे को जब आपका मनाया, ठीक है. सो गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपका, आज SSC CPO, ठीक है, जो भी स्टूडेंट आपका SSC CPO की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए आपका महायुद्ध होगा आफ्टर 7 मिनट, ठीक है. 7 मिनट के बाद आपका स्टार्ट होगा पंकज सर, जो कि आपका इस जो पहला इवेंट है वो आपका पंकज सर का, ठीक है. तो पंकज सर के अलावा देन जो CPO के जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उन सभी के ऊपर आज पूरे दिन भर आपका क्लासेस होगा, करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है. तो गाइज ये आपका टॉप 100 करंट अफेयर्स फॉर दी मंथ ऑफ जून 2020. सो कैसा लगा करंट अफेयर्स जरा कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सेशन को. और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें. तो क्या स्कोर रहा है आप सभी का जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे, ठीक है. आई होप आप सभी के स्कोर काफी अच्छे रहे होंगे, ठीक है. तो अगर आपको एक बार जल्दी जल्दी से अपना स्कोर शेयर कर दें, देन सेशन को एंड करेंगे. देन पंकज सर आपका रेडी है यूपी कानपुर से, ठीक है. देन पंकज सर क्लास लेंगे SSC CPO के अंदर. तो जो भी स्टूडेंट SSC CPO की तैयारी करेंगे गाइस, उन सबके लिए महायुद्ध आज रखा गया, ठीक है. तो सभी स्टूडेंट आपका उस सेशन को ज्वाइन जरूर कीजिएगा. तो अमित कुमार आपका बोलेंगे 97 उनके द्वारा स्कोर किया गया, और ठीक है गिरीश का कहना आपका 91, वेरी गुड. हाँ इसके अलावा दास अपना स्कोर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है. अमित रितेश आपका 92, ओके ओके. डे रिलेटेड आपका रॉन्ग हुआ, ठीक है. नितेश चलता है, ये मेरा भी रॉन्ग होता है, ठीक है. तो दोनों सेम पेज के अंदर हम लोग हैं. इसके अलावा 92, 90, हाँ ऑलमोस्ट जी. अच्छी बात यह है कि ना सारे स्टूडेंट आपका 90 के रेंज में, ठीक है. तो गाइज आप सभी को डेली करंट अफेयर्स भी ज्वाइन करना है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आपका मंथ के अंदर एक दिन आके आपका ओवरऑल रिवाइज किया गया. सो डेली करंट अफेयर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो हर दिन आइए कर आपका 7:30. जैसे कल हम लोग आपका जो इवन आपका जो लास्ट वीक या इस फर्स्ट वीक आपका जुलाई के जो वीकली रिविजन है उसको आपका करेंगे आदर. तो डेली डेली करंट अफेयर्स के अंदर भी आइए करें और उन सेशन को ज्वाइन कीजिए. और इवन टेक्स्टबुक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज आपका की जा रही है. आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियोस आपका देखने के लिए मिलेंगे. जैसे आज आपका SSC CPO का महायुद्ध है, तो अगर आपने ये क्लास लगा लिया ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले समय में SSC CPO के एग्जाम में. इवन आपके फ्रेंड लोग अगर SSC CPO का प्रिपरेशन करें तो आप उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है. तो हाँ सभी स्टूडेंट जिन्होंने आपका जिनके स्कोर काफी अच्छे रहे, ठीक है. सो गाइस काफी अच्छा लगा, ठीक है, आप सभी के. हाँ कुंदन सर आपका बोले कि सर ओनली 2 आपका डेज में कंफ्यूज हुआ, ठीक है. सो हाँ 2 मेरे भी गलत हुए थे डेज के अंदर, अदरवाइज मेरे सारे आंसर्स करेक्ट थे, ठीक है. सो हाँ सो गाइस अभी के लिए इतना ही आपका करते हैं, ठीक है. सो आप आराम से जल्दी से आपका चाय कॉफी पी के आइए जो भी CPO के स्टूडेंट है, और ज्वाइन कीजिए आपका पंकज सर को. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल. वन पास फॉर 100+ गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज, 3500+ मॉक टेस्ट, 500 से भी ज़्यादा PDF स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 149 रुपीज़ में.